तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी लोग मस्त होंगे। यार काफ़ी ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, तो मैं आ गया। अब आप लोगों के साथ रहूँगा, कंटिन्यू रहूँगा, आप लोगों को एडिटिंग का वीडियो देता रहूँगा। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में ये मैं आप लोगों को मतलब 100% एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो जो एडिटिंग नहीं जानता है एंड मेरी तरह फेस स्मूथ और इतना HD क्वालिटी में फोटो एडिटिंग करना चाहता है, तो एडिटिंग के बादशाह बनना चाहता है, तो 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ गाइस। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। एंड 7 स्टेप में जो गाइज मैंने इसको क्लियर किया है, ठीक है, तो 7 स्टेप को फॉलो कीजिएगा एंड आप लोग किंग बन जाएंगे एडिटिंग के। ठीक है मेरे भाई, मैं 100% बता रहा हूँ। एक बार ओरिजिनल पिक देख लीजिए किस टाइप से मैंने एडिट किया है, एंड ओरिजिनल पिक यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में किस तरह है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं एडिट वाला, ठीक है। तो गाइज यार बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरा वीडियो देख सके। तो चलते हैं बिना देर किए वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले अपना ओरिजिनल पिक ले लेना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है हर एक चीज़ को, ठीक है, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। हर बार की तरह मैं आप लोगों को कुछ अलग ही सिखाऊंगा एंड बहुत ही कमाल कमाल का ट्रिक बताऊंगा, ठीक है गाइस। देख सकते हैं फेस वगैरह एंड पोज मेरा, देख सकते हैं पोज तो मैटर नहीं कर रहा है इस फोटो के अंदर, एंड कोई सा भी पिक होगा तो चलेगा। एंड गाइज यार इस फोटो को एडिट करने के बाद आप लोग टैग मेंशन मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं मेंशन बैक कर पाऊँ, ठीक है, एंड लगना चाहिए कि हाँ मेरा मतलब प्रेसेट वगैरह यूज़ हुआ है। तो चलते हैं गाइस, देख लीजिए सबसे पहले अपना फोटो एंड कितना शार्पनेस है, कितना क्लियरिटी है। इसको क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर कर देंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। अब क्यों यहाँ पे सेंड करेंगे वो चीज़ आप लोगों को बताऊँगा, एंड समझिएगा स्नैपसीड एप्लीकेशन ये रहा, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। एंड इसके अंदर शेयर करेंगे क्यों, क्योंकि यार हमें हल्का हल्का ब्लैक वगैरह जो गर्दन वगैरह पे दिख रहा है उस वहाँ पर हमें हल्का स्लाइड देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ देखिए टूल्स वाला ऑप्शन है, ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए सिलेक्टिव टूल का ऑप्शन है, ठीक है गाइस। बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए और जो नहीं जानता एडिटिंग के बारे में वो अच्छे से समझ पाए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। एंड सिलेक्टिव टूल्स पे मतलब आके सेलेक्ट कर लेंगे, एंड उस आइकन पर क्लिक करने के बाद ये अपने स्क्रीन पर फिंगर को रखते ही एक प्लस का आइकन शो होगा, एंड जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे ले जाएंगे एंड छोटा दो फिंगर द्वारा इसे मतलब छोटा करेंगे, जितना ब्लैक है उतना ही रखेंगे। लोग इतना मतलब कुछ लोग इतना एडवांस कर देते हैं, एडवांस नहीं करना है, हमें इतना ही लाइट देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा लाइट दे देंगे एंड इतना होने के बाद फिर से प्लस के आइकन पे करेंगे और यहाँ पे जो है हैंड के ऊपर लाइट थोड़ा कम है तो यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट दे देते हैं एंड राइट के आइकन में क्लिक कर देंगे। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं इतना ही करना है, एंड यहाँ पे फेस पे हल्का सा लाइट दे देते हैं आँखों के पास, ठीक है गाइस, जिससे हमारा कोई दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा माइनस कर देते हैं। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, हल्का हल्का चीज़ों को पकड़ेंगे यार तभी यार फोटो हमारा हार्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डन करते हैं एंड इसको ले चलेंगे अब कहाँ पे स्मूथ करने के लिए, ठीक है गाइस। तो इसको शेयर करते हैं गाइस ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, ऑटोडेस्क यानी स्केचबुक। और गाइस बहुत लोगों के फ़ोन में ऑटोडेस्क स्केचबुक दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ऐप आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसका मतलब सॉल्व करके बता दूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में कि वो कैसे सही होगा, ठीक है। कमेंट में पढ़ता रहता हूँ सभी लोग का, कमेंट जरूर कीजिए। एंड देख सकते हैं हमारा फोटो जो है ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रश को कैसे चलाना है, मेन इंपॉर्टेंट बात होता है गाइज, ब्रश को कैसे चलाना है, ये दूसरा स्टेप है हमारा, ठीक है, दूसरा स्टेप में हम लोग स्मूथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रश का दुकान खोल देंगे, दुकान खोलने के लिए यहाँ पे गाइज इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड इस पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए बहुत सारा मतलब ब्रश का आइकन शो हो गया एंड यहाँ पे कमाल कमाल का ब्रश है, सबका अलग अलग वर्क है, हमें ये वाला ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। एंड इसका साइज़ देख लीजिए, साइज़ अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है, और ये रखिएगा गाइज 1:1 क्योंकि यार हमें हार्ड और प्रोफेशनल स्मूथ करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर जो मेरा फोटो एडिटिंग मतलब वीडियो देख के एडिटिंग कर रहे हैं तो भाई लोग फ्लो को 1 रखिएगा, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो मैं इतना 1:1 कर दिया हूँ एंड साइज़ अपने फोटो के अकॉर्डिंग रख लिया हूँ, ठीक है, जितना छोटा साइज़ रहेगा इतना बेस्ट रहेगा, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज सबसे पहले अपने हैंड के ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर साइज़ और बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए गाइज किस तरह अच्छे तरीके से स्मूथ होगा एंड आप लोगों के आंखों के सामने स्मूथ कर रहा हूँ। और गाइज क्या होता है ना, कोई लोग मतलब हैंड हमारा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हैंड हमारा इस टाइप से है, ठीक है, और कोई मतलब बाकी लोग कैसे इस तरह ब्रश चलाने लगते हैं, इस तरह नहीं चलाना है मेरे भाई, ध्यान रखिए हर एक मतलब जैसे हमारा बॉडी यानी स्किन का टेक्स्चर होता है उसी तरह हमें ब्रश चलाना है, ठीक है, समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए गाइज
जिस तरह नसें दिख रही हैं एंड उसी तरह मैं ब्रश को चला रहा हूँ जिससे रियलिस्टिक लगेगा हमारा फ़ोटो, ठीक है। एंड रियलिस्टिक का मतलब गाइस वैसे ही लगेगा जैसे मतलब शूट किया है, एंड ज़्यादा एडिटिंग वगैरह मतलब दिखाई ना दे फालतू वगैरह चीज़, ठीक है। एंड समझ सकते हैं कितना अच्छे से स्मूथ हो गया, इसी टाइप से कीजिएगा यार, ये चीना वगैरह कोई मैटर नहीं करता है। एंड ब्लैक ब्लैक जो आएगा उसका उपाय मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो फिर आते हैं इस हैंड के ऊपर एंड यहाँ पर भी स्मूथ कर देते हैं। और गाइस एक और चीज़ बता दूँ, स्मूथ वाला वर्क जो है गाइस बिल्कुल आराम से किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल आराम से। मैं बहुत टाइम देता हूँ स्मूथ के अंदर तभी यार इतना मतलब बेस्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल आराम से आप लोग ब्रश को चलाइएगा, ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को जैसे बताया, जैसे टेक्सचर होता है यानी चीना वगैरह होता है उसी तरह हमें ब्रश को चलाना है। आते हैं फेस के ऊपर एंड फेस को क्या करना है गाइस, साइज मतलब साइड से उतारिएगा, ठीक है। साइड से सबसे पहले इसे स्टार्ट कीजिएगा स्मूथ करना एंड यहाँ पर जैसे बना रहेगा गाल वगैरह एंड टेक्स्चर यानी जो भी, एंड यहाँ पर अच्छे तरीके से वैसे ही घुमाइएगा। देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से इधर का स्मूथ हो चुका है, ठीक है। कोई मोटा स्मूथ करने की कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है, मोटा स्मूथ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है एंड बेकार लगता है बहुत ज़्यादा। और रियलिस्टिक कीजिएगा वो आप लोगों का फ़ोटो चलेगा एंड हमेशा वायरल होगा एंड बहुत सारा लाइक वगैरह मिलेगा, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कीजिए यहाँ पर एंड यहाँ पर देखिए नोज़ वगैरह बचा हुआ है। और आते हैं यहाँ पर हेड के ऊपर, देख लीजिए कितना अच्छे से स्मूथ, कितना टाइम लग रहा है गाइस, अच्छे से स्मूथ कीजिए, ठीक है गाइस। तो मैं जल्दी जल्दी गला वगैरह कर देता हूँ, देख लीजिए किस तरह कर रहा हूँ, ठीक है, एंड जिस तरह बना रहेगा उसी तरह स्मूथ करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। मैं जल्दी स्मूथ कर देता हूँ क्योंकि यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होगा, तो चलते हैं जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। तो मेरे भाई देख सकते हैं कितना अच्छे से स्मूथ हो चुका है एंड देख सकते हैं कितना आराम से किया हूँ एंड सारा किस मतलब दिख गया होगा आप लोगों को। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर ऊपर की तरफ एक आइकन है, ठीक है, फर्स्ट में, एंड उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गैलरी के अंदर क्लिक करके फोटो सेव। तो गाइस यार अब देखिए क्या करना है, हमारा फोटो स्मूथ हो चुका है एंड गैलरी के अंदर आ चुका है। अब तीसरा स्टेप जो गाइस क्या करना है, टू स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है, तीसरा स्टेप को शेयर करेंगे इसको लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो लाइट रूम के अंदर शेयर करते हैं फिलहाल में, और इसके लिए एक खास प्रेसेट बना के रखा हूँ। प्रेसेट की यूज़ करना मेन इंपॉर्टेंट बात होता है गाइस, कैसे यूज़ करना है वो चीज़ आप लोगों को बताऊँगा एंड वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा फोटो जो है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है, तीसरा स्टेप को कैसे क्लियर करना है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा एंड ध्यान रखिएगा, तभी आप लोगों का फोटो प्रोफेशनल एंड हार्ड होगा और सबसे बेटर लगेगा और बहुत सारा लाइक तो पाना ही है गाइस। अब देखिए इसके लिए एक प्रेसेट बना के रखा हूँ, प्रेसेट को यूज़ कैसे किया जाता है आप लोग तो वैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं एंड यूज़ कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग करना है, नीचे वाला आइकन जो है उसको सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, इस तीनों को छोड़ देना है एंड राइट के आइकन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, आएंगे उस पिक पे जिसको हम लोग एडिट कर रहे हैं। अब देखिए गाइस हमारा मतलब फोटो का लाइट के अकॉर्डिंग प्रेसेट में बनाया हूँ अपने फोटो के हिसाब से, आप लोगों का फोटो का लाइट कुछ और है, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ मैटर करता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, लाइट के अकॉर्डिंग यार थोड़ा बहुत लाइट तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है, तो वैसे ही मत छोड़िएगा एंड थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रेसेट को पेस्ट करते हैं। अब देखिए वहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपल है, देख सकते हैं लाइट वगैरह। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मतलब कलर टोन आ गया है हमारे पगड़ी पर जो भी है, एंड क्या करेंगे हमारा देख लेंगे पहले पगड़ी किस कलर है, येलो कलर है, तो येलो के अंदर आके और इसको क्या करेंगे गाइस, लाइट दे देंगे नहीं तो डाउन कर देंगे बस थोड़ा सा। एंड फेस कलर जो गाइस है यहाँ पे लाइट का थोड़ा कम ही लग रहा है एंड यहाँ तो फुल लाइट है, तो क्या करेंगे गाइस आएंगे लाइट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा लाइट दे देंगे एंड ये ब्लैक है इसको हल्का सा माइनस कर देंगे, ठीक है, एंड इसी टाइप से कीजिएगा। अब देखिए गाइस हमारा बैकग्राउंड जो है किस टाइप से लग रहा है, कितना मतलब बेकार, एंड आप लोग को इसको बहुत प्रोफेशनल बना के दिखाऊंगा अभी। क्या कीजिए गाइस इतना होने के बाद, प्रेसेट को यूज़ करने के बाद प्रेसेट कैसे मिलेगा वीडियो में बने रहिए, और मेन ओरिजिनल प्रेसेट दूंगा आप लोगों को, वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके ऊपर की तरफ देखिए, थ्री डॉट के बगल में शेयर का ऑप्शन, उस पर क्लिक करके और सेव टू डिवाइस कर देंगे। आई होप कि इतना तब समझ में आ गया होगा आप लोगों को मेरे प्यारे भाई, एंड ये गैलरी के अंदर सेव हो रहा है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारा तीसरा स्टेप जो है कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चौथा स्टेप में क्या करना है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है एंड यहाँ पे लाइट एडजस्ट करना है और लिप्स वगैरह को रेड एंड फुल एचडी करने का एक तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो अभी चलते हैं गैलरी के अंदर फिलहाल में, एंड यहाँ पे देखिए हमारा गैलरी के अंदर आ चुके हैं एंड इसको ले चलेंगे आप पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, हमारा फोर स्टेप है, ठीक है, चलिए एंड इसको शेयर करते हैं पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। पिक्स आर्ट सभी लोग जानते ही हैं, ये रहा पिक्स आर्ट एप्लीकेशन, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को।
एंड इसके अंदर शेयर करते हैं। अब देखिए गाइस क्या करना है, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करना है गाइस, नीचे की तरफ देखिए इफेक्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, कलर का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आ जाइएगा और यहाँ पे कलर रिफ्लेक्स लिखा है, नीचे की तरफ देखिए कलर रिफ्लेक्स लिखा है, ठीक है। उस पर क्लिक करके प्लस का आइकन शो होगा, उसे ले जाके बैकग्राउंड में छोड़ देंगे फिलहाल में। एंड इसको क्या करेंगे, येलो कलर के अंदर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। रेड और येलो के बीच में हल्का सा आएंगे और यहाँ पे आके इसको यहीं पे सेव कर देंगे, ठीक है। इतना कलर आ चुका है एंड बैकग्राउंड को ब्लर और लाइट कैसे एडजस्ट करना है अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिटच के अंदर आएंगे और नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, हेयर कलर के अंदर आ जाइएगा। एंड क्या करना है, फर्स्ट में देखिए कलर का मतलब पूरा दुकान ही है, तो उसको खोल देंगे एंड यहाँ पर देखिए ये वाला कलर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा और राइट के आइकन पर क्लिक करके और ऊपर की तरफ देखिए बैक का और एरे होगा, ठीक है, जिससे हमारा हेयर का कलर जो है हट जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, हट गया, और मैनुअल पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ एंड हमें जहाँ कलर करना है वहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया हमें, तो हमें लिप्स को रेड करना है गाइस। तो यार इसको रेड करते हैं एंड ऊपर वाला भी हल्का हल्का इस बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि हार्ड करना एंड कुछ अलग ही लग रहा है ऊपर वाला करने से ही, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग कीजिएगा एंड समझिए मेरे बातों को एंड फुल एचडी वीडियो में बने रहिए, बस इतना कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। अब क्या करेंगे, सैचुरेशन फुल कर देंगे, अमाउंट अपने फोटो के अकॉर्डिंग रखिएगा कितना चाहिए, ठीक है। आगे चल के इसे एडजस्ट कर देंगे, इतना पे होने के बाद राइट के आइकन में क्लिक कर दीजिएगा, मुझे इतना चाहिए रेड। एंड क्या करेंगे, उसी के बगल में हेयर कलर के सेकंड नंबर में देखिएगा आई कलर होगा, ठीक है। आई कलर पर क्लिक कर दीजिएगा और सबसे लास्ट में जाइएगा एक लेंस होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसको मतलब अच्छे से, अब देखिएगा इस क्या करते हैं, अपने आई को जो आँख है उसी के साइज़ कर देते हैं, उससे हल्का सा छोटा रखना है, क्यों, क्योंकि यार हल्का सा छोटा रहेगा तभी बेस्ट लगेगा, एक बार आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। हल्का सा छोटा लगेगा तभी लगेगा कि हाँ यार हमारा रियल आँख वैसा ही है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा इस यहाँ पर क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड ऊपर थोड़ा सा ओवर इरेज कीजिएगा, क्यों, क्योंकि यार हमारा मतलब पलक का जो बाल होता है वो मैटर करता है एंड ध्यान से समझ सकते हैं। एंड क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके और इस ऑपसिटी जो है 50 के आसपास रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल आधा, ठीक है। इसको इरेजर पर क्लिक करके और ऊपर थोड़ा सा और इरेज करना लग रहा है, ठीक है, तो इरेज कर दिए एंड देख सकते हैं बेस्ट लग रहा है। राइट के आइकन में क्लिक करके फाइनली से इतना सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से राइट के आइकन में क्लिक कर देते हैं, लाइट कैसे लगाएंगे, फिलहाल में इसको नीचे की तरफ स्लाइड कीजिएगा, ड्रा टूल के अंदर आके 3 डॉट पे क्लिक करके फोटो को सेव कर दीजिएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं गैलरी के अंदर, ठीक है। इतना प्रोसेस हो गया, 4 प्रोसेस मतलब चौथा स्टेप जो है गाइस क्लियर, ठीक है। अब आते हैं 5वें स्टेप में, तो इसको शेयर करेंगे कहाँ गाइस, फेस ऐप एप्लीकेशन के अंदर। अब क्यों फेस ऐप के अंदर चलना है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये रहा फेस ऐप एप्लीकेशन, ये प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, फेस ऐप, ठीक है। इसके अंदर शेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा नेट जो है ओपन रहना चाहिए, एक बात ध्यान रखिएगा नेट ओपन रहना चाहिए। अब क्या करेंगे गाइस, नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ छेड़ना नहीं है। लास्ट में देखिए सेकंड लास्ट में यानी लास्ट से 2 नंबर पे लेंस ब्लर का ऑप्शन होगा। अब क्या करना है गाइस, लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बूके वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, बूके वाला ऑप्शन है, ठीक है, उसके अंदर आएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक हमारा बैकग्राउंड जो ब्लर हो जाएगा। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे हमें वैसे ही नहीं छोड़ना है क्योंकि नीचे की तरफ हमारा छोड़ दिया है एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमारा जो है बॉडी को कवर कर लिया है, तो उसको इरेज करेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ देखिए इरेज का ऑप्शन होगा, ठीक है। इरेज पे क्लिक करके क्या करेंगे, इरेज पे ये जो हमारा जो छोड़ दिया है इसको हम लोग पहले भर लेते हैं फिलहाल में, ठीक है। और बिल्कुल जूम करके बिल्कुल आराम से कीजिए गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है फोटो एडिटिंग करने में, ठीक है, मेहनत कीजिएगा तभी यार हार्ड लगेगा, ठीक है। देख सकते हैं मैं किस टाइप से कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं ब्लर कर रहा हूँ बैकग्राउंड को, आप लोग समझ रहे होंगे एंड देख रहे हैं तो समझ में आ ही रहा होगा। तो वीडियो को यार स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिए और कमाल कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। इतना ट्रिक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए पेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसी के इरेज के बगल में पेंट है एंड यहाँ पर अपने बॉडी के साइड साइड में हल्का हल्का चला देंगे, इससे क्या होगा गाइस हमारा बॉडी जो है देखिए कितना अच्छे तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है किस टाइप से, मतलब ओवर थोड़ा सा पकड़ लेता है, मेरे कहने का मतलब ये है एंड थोड़ा धुंधलापन ला देता है, ब्लर चढ़ा देता है बॉडी के ऊपर, तो उसको यार हल्का सा हटा दीजिए तो बेस्ट लगेगा एंड प्रोफेशनल लगेगा, इसी टाइप से किया जाता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए और ख़तरनाक कीजिए जो भी कीजिए और बहुत सारा इंस्टाग्राम पर लाइक कीजिए, सॉरी लाइक पाइए एंड वायरल होइए, ठीक है।
तो देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से ब्लर जो हट रहा है। और यहाँ पे देखिए कपड़े पे चढ़ा हुआ है तो किस टाइप से मैं हटा रहा हूँ, इसी टाइप से हटाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे देख लीजिए किस टाइप से हटा रहा हूँ, इसी टाइप से आप लोग हटा दीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई कोई लाइक वगैरह कर रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए गाइस बिल्कुल अच्छे से जो है ब्लर लग गया है, ठीक है, ब्लर हो गया है। अब अप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, पूरा माइनस करेंगे एक बार और धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा बैकग्राउंड किस तरह हाई भी कर सकते हैं, एंड कितना चाहिए मुझे, इतना चाहिए, ठीक है, इतना फिलहाल में चाहिए, इतना में करके अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फोटो को सेव कर देंगे। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे फोटो नहीं सॉरी फेस ऐप का लोगो आ गया है, ठीक है, इसको हटाएंगे, अभी बने रहिए वीडियो में। एंड ये इतना सेव हो गया है, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा है यार, वीडियो में बने रहिए। अब थोड़ा कुछ कुछ बचा है, ठीक है, पांचवा स्टेप जो है क्लियर हो गया, ठीक है गाइस। अब छठवा स्टेप जो है इसको शेयर करेंगे पिक्सआर्ट के अंदर, ठीक है, बस लास्ट बचा हुआ है। एंड पिक्सआर्ट के अंदर चलते हैं एंड एक बार स्नैपशीट के अंदर चलेंगे और हमारा फोटो जो है HD हो जाएगा, ठीक है। तो पिक्सआर्ट के अंदर चलते हैं, लाइट वगैरह लगाना है, बस एक लाइट लगाना है, PNG में दे दूंगा आप लोगों को प्रेसेट के साथ। अब क्या करेंगे, फेस ऐप को कैसे हटाना है, तो जो फोटो हम लोगों ने प्रेसेट मार के रखा था उसको ऐड करेंगे, ठीक है, डिलीट नहीं करना है उसको, जो बस प्रेसेट मार के रखा था उसको ऐड करेंगे और कोई नहीं करेंगे। तो उसको मैं ऐड कर देता हूँ और इसको क्या करेंगे पूरा फुल कर देंगे इतना पे, और राइट के आइकन पे सॉरी इरेजर पे क्लिक करके इन्वर्ट कर देंगे नीचे की तरफ। इन्वर्ट करने के बाद रेस्टोर पे क्लिक करके, ठीक है, और अपने हैंड पर का ये देखिए हैंड पे चला देंगे, ठीक है, फेस ऐप हट गया बिल्कुल आराम से। आप लोग समझने की बात है बस गाइस, ठीक है। और इतना क्या करना है गाइस, थोड़ा सा येलो कर दीजिएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आप लोग वहाँ पे ब्लर भी कर सकते हैं, नहीं दिखेगा, ठीक है, राइट के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जाके फोटो देख सकते हैं, वैसे ही मेरा भी है। एंड इतना होने के बाद क्या करेंगे, ऐड फोटो पे क्लिक करके मैं उस PNG को ऐड करता हूँ जो लाइट वाला PNG था, ठीक है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं इतना सारा लाइट वगैरह है, तो इस लाइट को मैं फर्स्ट वाले लाइट को ऐड कर देता हूँ। एंड फिलहाल मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, ब्लेंडिंग के अंदर आ जाएंगे, स्क्रीन कर देंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा क्रॉस करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इतना पे होने के बाद गाइस क्या करना है, राइट के आइकन पे क्लिक करके पानी सेव कर देना है। इतना होने के बाद कुछ नहीं करना है, ड्रा टूल के अंदर आना है गाइस, 3 डॉट पे क्लिक करके फोटो को सेव कर देना है। इतना हो गया गाइस, अब चलते हैं स्नैपशीट के अंदर। अब देखिए लास्ट पॉइंट है ये सातवा स्टेप, सात स्टेप के अंदर हमारा फोटो जो है क्लियर हुआ है। एंड इसको क्या करेंगे, स्नैपशीट के अंदर शेयर करते हैं। अब देखिए गाइस, सबसे पहला ऑप्शन टूल्स पे क्लिक करके, और यहाँ पे प्रोटेक्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और जो स्किन स्मूथिंग है ना गाइस, उसको क्या कीजिएगा 60 के आसपास रखिएगा, और आई क्लियरिटी को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। इतना होने के बाद क्या करना है, अब देखिए जहाँ पे ब्लैक है ना गाइस, वहाँ पे हल्का हल्का देख लेंगे। एंड यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए गाइस, आप लोग क्या करना है, ठीक है, मतलब टूल्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे देखिए कर्वस का ऑप्शन होगा, ठीक है, तो उस पर क्लिक करना है। एंड सबसे लास्ट में जाना है लूमियंस का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन कर देंगे, ठीक है, और आएंगे सबसे फर्स्ट वाला में RGB लिखा होगा, उसको क्या करेंगे ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऊपर करके नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन कर देंगे। एंड क्या करेंगे, आएंगे आप ब्लू वाले कलर के अंदर, इसको क्या करेंगे ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे कर देंगे, और नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ नीचे करेंगे, और नीचे की तरफ थोड़ा सा ऊपर कर देंगे जिससे बेस्ट कलर टोन आएगा। नाएंगे ग्रीन के अंदर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और नीचे की तरफ थोड़ा सा डाउन कर देंगे। अब देखिए कितना हार्ड लग रहा है। एंड टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्टिव को सिलेक्ट करके और लिप्स पे ले जाएंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे गाइस क्या करना है, नीचे की तरफ स्लाइड करना है, इसका सेचुरेशन थोड़ा सा दे देना है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देना है। अब देखिए गाइस क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, ठीक है, कितना डार्क हो गया। एंड यहाँ पे हल्का सा जो है विग्नेट दे देंगे। अब देखिए गाइस बिफोर एंड आफ्टर कितना हार्ड हो गया, ठीक है गाइस, इसी टाइप से आप लोग एडिट कीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत जाए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड टेक केयर।